आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के अंदर खुशी है, खुशी इस बात की क्योंकि उन्होंने मुकाम हासिल किया है और मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जो जेनेसिस क्लासेस के बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की और नीट के अंदर अच्छे अंक हासिल किए और आप देख सकते हैं इसी बात की खुशी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 600 से ऊपर आए हैं। दरअसल 720 नंबर का एग्जाम होता है नीट का और जेनेसिस क्लासेस के 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 600 से ऊपर अंक आए हैं। 650 से ऊपर अंक लेने वाले 10 बच्चे हैं और हाईएस्ट अंक जो आए हैं वो 690 आए हैं। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 600 के आसपास गया था, यानी कि जिनके 600 मार्क्स आए थे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो उम्मीद है कि ये जो 30 बच्चे हैं इन्हें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिलहाल तमाम बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनके टीचर से भी हम बातचीत करेंगे, उनके पेरेंट्स से भी हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो परसेंटेज है यानी कि बहुत सारे बच्चों ने जो एग्जाम दिया था उसमें से बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है और उनका जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही शानदार रहा है, यानी कि 600 जो अंक हैं वो 30 से ज़्यादा बच्चों के आए हैं, 650 अंक हैं वो 10 बच्चों के आए हैं। और अगर बात की जाए 690 जो हाईएस्ट रहा है जेनेसिस क्लासेस के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि नीट के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, काफ़ी समय देना पड़ता है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। कितनी खुशी है, कितने नंबर आपके आए और उम्मीद है मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? मैं माइसेल्फ आयुष और मेरे नीट में 658 मार्क्स है और बिल्कुल हाँ जी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इस साल जरूर मिलेगा। 2 साल की मेहनत है, डबल ड्रॉपर हैं, पिछले साल 560 थे, इस बार और मेहनत की, पेरेंट्स का साथ रहा, टीचर्स का साथ रहा, जेनेसिस टीम को थैंक यू करूंगी, मम्मी को, पापा को, सबको थैंक यू करूंगी। आज मैं इस मुकाम पे यहाँ सर के साथ केक काटने की खुशी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ। आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी खुशी? माय नेम इज शालिनी, मेरा नीट स्कोर 655 है, मेरी रैंक 3242 है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ और मैं इसका शुक्रिया अदा अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का करना चाहती हूँ। ये एक जिद होती है, ये बच्चे जब ठान लेते हैं कि हम बहुत अच्छा हमें करना है इसलिए वो अपने साल भी ड्रॉप कर देते हैं, 1 साल ड्रॉप कर दिया, 2 साल ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उन्हें अच्छा रैंक चाहिए होता है, अच्छे अंक चाहिए होते हैं। और जब वो मन लगाकर मेहनत करते हैं तो इसी का नतीजा होता है कि वो अब यहाँ पर खुशी खुशी केक काट रहे हैं। और बच्चे भी हमारे साथ हैं, आपके कितने अंक आए? मायसेल्फ रूपाली, मेरे 638 मार्क्स हैं, पिछले साल 561 थे, मैंने BMS लिया था लेकिन फिर सर ने बुलाया तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉप किया और 638। इतना मुश्किल हो जाता है 1 साल ड्रॉप करके फिर से आना, और एक प्रेशर भी होता है कि इस साल भी अगर रैंक नहीं आया तो फिर मम्मी पापा भी कुछ कहेंगे, मन के अंदर भी एक पॉजिटिवनेस जो होती है वो नहीं आती है, तो किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी मुश्किल हो जाता है लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए और आपको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई कुछ कह रहा है या फिर आपको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, करना है तो करना है, बस ये सोचना है, रोज़ सुबह उठना है और रोज़ डिटरमाइन होना है और रोज़ हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करने से कभी भी पीछे नहीं हटना। आपका क्या रिजल्ट? हेलो, माय नेम इज़ महक, मेरे 671 मार्क्स आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई वुड लाइक टू गिव ऑल माय क्रेडिट टू माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स, बस यही है, अपना डिटर्मिनेशन से लगे रहो, डू हार्ड वर्क, सब पॉजिटिव होगा। हेलो, माय सेल्फ दिव्या, आई गॉट 658 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड आई वांट टू थैंक टू जेनेसिस स्टाफ एंड माय पेरेंट्स, मैंने ये ड्रॉप किया था इस साल, बट यहाँ के जो टीचर्स हैं बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है पर्सनल या फिर स्टडी से रिलेटेड सबको सॉर्ट आउट करते हैं, स्पेशली जितेंद्र सर, नवनीत सर, डाउट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे, थैंक यू। आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितनी खुशी? मेरे 654 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 720 एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट दिया था और वो क्लियर हो गया, एंड क्रेडिट सारा पेरेंट्स को और टीचर्स को जाता है इसके लिए। एक बहुत
बड़ा दबाव होता है बच्चों के ऊपर इस बात का कि अगर इस साल क्लियर नहीं हुआ नेट, एक साल पहले ड्रॉप कर चुके हैं, तो फिर मम्मी पापा भी कुछ कहेंगे, दोस्त भी कुछ बोलेंगे। लेकिन अगर आप मन के अंदर ठान लेते हैं कि आपने IIT क्रैक करना है या आपने नीट क्रैक करना है, तो फिर आपको कोई भी नहीं पछाड़ सकता है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। क्या रैंक आई है, कितने मार्क्स आए हैं? मेरा नाम दीप सिमरनजीत सिंह है और मेरे 682 स्कोर आया है 720 में से, और मेरी 780 रैंक आई है। और सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, स्पेशली टू जितेंद्र सर, DNG सर और नवनीत सर, जो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा, अपने टीचर्स की बात मानो, जो टीचर्स बोलते हैं वो हमेशा सही होता है, और अगर आप उनको मानोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज आपने भी लड्डू खाए, हुई खुशी? जी सर, मेरा नाम हार्दिक है, मेरा नीट स्कोर 690 है और ऑल इंडिया रैंक 451 है। तो बहुत खुशी हुई सर, क्योंकि टीचर से काफ़ी अटैचमेंट पहले से ही थी। मैं 9th से यही जेनेसिस क्लासेस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तब से ही देखता आ रहा हूँ जेनेसिस हर साल बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर ही रहा है, और ऐसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि हर साल एफर्ट्स भी जा रहे हैं, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम रात भर टीचर्स के साथ याद थे, डाउट्स उनसे, जब हमें डाउट आया हमने सर को मैसेज करा, सर हमारे लिए हमेशा अवेलेबल थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक इंस्टीट्यूट आपको इतना दे रहा है, तो इट डिजर्व्स दैट इतनी अच्छी रैंक्स या बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट। हाईएस्ट मार्क्स आए हैं जेनेसिस क्लास? जी सर, मेरे 690 हैं, ऑल इंडिया रैंक 451 है। आपका क्या रिजल्ट रहा है? मेरा नाम नकुल है, मेरे 646 मार्क्स आ रहे हैं, मेरी 4600 रैंक है। मैं कहना चाहूँगा कि दो साल से मेहनत कर रहे हैं, वो अब सफल रही तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमने ग्रुप बना के पढ़ाई करी, जिससे सबका फ़ायदा हुआ और सब मेरे दोस्त के भी हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हेलो, माय नेम इज़ मुनीश, माय नीट स्कोर इज 671। सो लास्ट ईयर भी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, पर तब रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, और यहाँ जेनेसिस की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि उन्होंने मेरा स्कोर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कराया, स्पेशली जितेंद्र सर, चाहे रात के 10-11 बजे में मैं डाउट्स पूछूँ तब भी वो बिल्कुल अटेंड करते थे और सारे डाउट्स साथ के साथ क्लियर करते थे। तो थैंक्स टू माई टीम। आपका क्या रैंक रहा? माय रैंक इज 7600 एंड माई नेम इज़ रितेश। आई विल लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ जेनेसिस क्लासेज दैट दे हैव हेल्प मी थ्रू आउट द ईयर एंड आई हैव क्लियर द नीट इन क्लास 12th। तो ये भविष्य है कल का, और आप देख सकते हैं ये बच्चे आने वाले कल के डॉक्टर हैं, क्योंकि नीट का इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके चेहरे पर खुशी है, उनके माता पिता के चेहरे पर खुशी है, उनके टीचर्स के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि 2 साल की मेहनत थी, 3 साल की मेहनत थी, और वो मेहनत अब रंग लाई है। बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप किया था इस उम्मीद के साथ कि अगली बार अच्छा रैंक आएगा, और उन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया है, वो मुकाम हासिल किया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से मैं आप बता देता हूँ कि जेनेसिस क्लासेस के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, यानी कि 30 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 600 से ऊपर अंक आए हैं, क्योंकि 720 अंक का ये पूरा पेपर होता है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका 650 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वहीं हाईएस्ट जो मार्क्स आए हैं वो 690 के आसपास आए हैं। जिन बच्चों का नीट का रिजल्ट आया है और उनका अच्छा रिजल्ट आया है, तो फिर उनके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैसे तो त्यौहार सबके खुशियों में जाने वाले हैं, सब लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ खास परिवार और कुछ खास बच्चे हैं जिनके इस बार की दिवाली और भी ज़्यादा खुशनुमा होने वाली है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ जेनेसिस क्लासेस के स्टूडेंट्स ने। जी हाँ, नीट का अभी एग्ज़ाम हुआ था और जिसका रिजल्ट आ चुका है, 720 में से 600 प्लस जो है 30 स्टूडेंट्स जेनेसिस के निकले हैं, और 650 में से जो 650 से ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर निकले हैं। तो मेरे पीछे आप बच्चे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, फूल मालाएं, ढोल वाले भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, केक आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, लड्डू यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो या ही फिर उनके पेरेंट्स हो, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। पेरेंट्स भी पीछे खड़े हैं, टीचर भी यहाँ पर मौजूद है, तो एक देख रहे हैं कैसे एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए दिख रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों। तो टीचर जो सिखाते हैं, जिनकी वजह से आज इस मुकाम पर ये सभी स्टूडेंट्स पहुंच पाए हैं, इतने अच्छे इनके मार्क्स आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से तैयारी करवाई गई है। तो उनसे
तो देख सकते हैं पेरेंट्स की तरफ से टीचर्स को भी खिलाए जा रहे हैं लड्डू, क्योंकि अगर ये ना करवाते, इनको अच्छे से ना क्लासेस लेते, तो आज बच्चे यहाँ पर ना खड़े होते और इस तरह से खुशियाँ ना मनाई जाती। तो हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, कितनी खुशी है कि उनके बच्चे आज इतने अच्छे मुकाम पर, इतना अच्छा रिजल्ट आया है। सो हेलो मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि रिजल्ट अच्छा आया, कितनी खुशी है? नहीं, खुशी तो बहुत है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चा ऑनेस्टली मेहनत करेगा उसे कोई नहीं रोक सकता। हमारा पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो लास्ट तक लगे रहे या इंस्टीट्यूट आकर पूरे पूरे दिन बैठकर, जिन्होंने टेस्ट दिए हैं और टेस्ट एनालिसिस किया है अपना। जो भी बच्चे घर पे बैठे थे, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो बिल्कुल आप ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, मतलब मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत दूर दूर भेज देते हैं, कोटा भेज दिया, चंडीगढ़ भेज दिया, बच्चा उनसे दूर हो जाता है, बच्चे को बहुत सारी परेशानियां आती हैं और मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, वहां बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। बच्चा कई बार डर के अपनी बातें नहीं बता पाता, तो बच्चों को अपने पास रखिए। पेरेंट्स दूर भेज देते हैं, बच्चे का भी ध्यान रखने वाला कोई नहीं, और पेरेंट्स का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, 8-8, 10-10 लाख पर ईयर खर्च पेरेंट्स कर रहे हैं सिर्फ तैयारी में, जबकि इतनी मतलब इतने पैसे में तो मतलब पूरी पढ़ाई, मतलब इतने पैसे में तो पूरी पढ़ाई क्या, उसके बाद भी बचेगा उसके, हाँ यहाँ सब कुछ बचेगा, बच्चा भी पास रहेगा, बच्चे को मॉरल सपोर्ट चाहिए, उसे मतलब कुछ भी परेशानियाँ पेरेंट्स देख सकते हैं, तो बच्चे को अपने पास रखिए और उनके पास है फैसिलिटी अवेलेबल छोटे शहर में, तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो जी हाँ, मैम ने जिस तरह से सही बताया कि घर के पास ही आप लोग बच्चों की इस तरह से तैयारी करवा सकते हैं, अगर IIT, JEE या नीट का सोच रहे हैं, और खुशी आपने मैम के चेहरे पर देख ली, बहुत ज़्यादा खुश हैं। पेरेंट्स भी मेरे पीछे देख सकते हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, इनके बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है, तो उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सो हेलो सर, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट आया, कितनी ज़्यादा खुशी है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने फर्स्ट अटैम्प्ट में 690 मार्क्स सिक्योर किए हैं विद ऑल इंडिया रैंक 451। करनाल में रहते हुए जेनेसिस के सारे टीचर्स का मैं बहुत थैंकफुल हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत करवाई, नहीं तो लोग अपने बच्चों को चंडीगढ़, कोटा, दिल्ली भेजते हैं। तो मैं भी सबको करनाल के जो भी नीट एस्पिरेंट्स या JEE एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेजें। यहाँ जो टीचर्स डेडिकेटेड हैं, जो जिस तरह से वो पूरा इन बच्चों को मेहनत करवाते हैं, उसका रिज़ल्ट हम हर साल देख ही रहे हैं। तो मैं सबसे पहले, उसके बाद धनतेरस की और दीपावली की भी सभी को बधाई देना चाहूँगा। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ए प्राउड फादर, थैंक यू। तो सर के बेटे के 690 मार्क्स आए हैं और 690 हाईएस्ट गए हैं, 690 ही हाईएस्ट मार्क्स गए हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी है पेरेंट्स को, और भी पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। तो हेलो सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपके बच्चे का कैसा रिजल्ट आया और कितनी खुशी है आपको? हमारा बेटा जो लास्ट ईयर था उत्सव, उसका भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। तो मेरे दो बेटे हैं, दोनों का दोनों डॉक्टर बन गए हैं। बड़ा बेटा लास्ट ईयर उत्सव, और इस साल अर्चित जो 640 नंबर आए हैं, 5856 उसका रैंक आया है। ये जेनेसिस परिवार की वजह से ही मेरा जो सपना था जिंदगी का, वो सपना आज पूरा हुआ है, जिसमें पूरे जेनेसिस परिवार ने तय दिल से, चाहे वो वाटरमैन है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चाहे खन्ना सर हैं, स्पेशली अपने जितेंद्र जी हैं, नवनीत जी हैं, मिश्रा जी हैं, मैडम, सभी का तय दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने ऊपर एक एहसान है उस जेनेसिस परिवार का, जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर पाता। स्पेशली जेनेसिस परिवार के अंदर एक खासियत है कि यहाँ केवल और केवल पैसे के लिए नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ तय दिल से और मेहनत इतनी की जाती है कि वो एक परिवार की बात है। अपने पेरेंट्स हमारे से भी ज़्यादा वो बच्चों की तरफ डिवोटेड हैं और इमोशनल होकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी वो एक मन में ठान लेते हैं बच्चे के अंदर कैलिबर देख के कि इसको हम जरूर लेके जाएंगे। अब मेरे साथ में ये सुशील गुप्ता जी हैं, लास्ट ईयर इनके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा था और ये बिल्कुल हताश थे, रो रहे थे, और मैंने ऊपर खड़ा होकर कहा था कि आज मेरा बेटा एक नीचे खड़ा है स्टेज से, एक ऊपर खड़ा है, आपकी बेटी
अगले बेटा अगले साल ऊपर खड़ा होगा, ये मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ, आप विश्वास कीजिए जेनेसिस पे। और इन्होंने विश्वास किया और आज ये यहाँ खड़े हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं ऑल स्टाफ जेनेसिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके बाद नवनीत सर और जितेंद्र सर, क्योंकि मैं बिल्कुल हताश हो चुका था। मैं आया गुड़िया को पूछने के लिए भाई मैंने क्या करना चाहिए। जितेंद्र सर क्या कि भाई 6 महीने तो रह ही गए हैं, आप क्यों नहीं मोटिवेट करते। तो मैं तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया जितेंद्र सर का करूँगा, अगर ये होता तो क्या पता BMS में करवाता क्या करता। और सर ने भी मेरे को कहा, देखो इनका भी शुक्रिया है भाई, आप क्यों रो रहे हो, देखो मन में आता है। तो इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया भाई कोई बात नहीं, आपने बहुत, सबसे ज़्यादा थैंक्स जितेंद्र सर का है, क्योंकि क्या पता BMS करती है क्या करती जी, सबसे ज़्यादा इनका है। इन्होंने कहा 6 महीने रह गया, मोटिवेट करो। धन्यवाद जेनेसिस क्लासेस का धन्यवाद, क्योंकि एक है जिस बच्चे के बाद, मैं एक और कहना चाहूँगा, जिसके बाद पैसे नहीं होते उसको कम में भी देखो, सबके लिए तो होता नहीं है, उसको सर लेके चलते हैं, चलो भाई तुम आगे चलो। ये बात कहनी नहीं चाहिए वैसे माइक पे, क्योंकि सर जैसे पैसे किसी पे कम होते हैं और बच्चा एबिलिटी होती है उसके अंदर, उसको आगे लेके जाते हैं, ये नहीं अभी तो अपने घर जा पैसे के लिए। सबसे ज़्यादा थैंक्स ऑल टू जेनेसिस क्लासेस, ऑल टू स्टाफ। तो आप लोग इमोशंस देख सकते हैं, पेरेंट्स कितने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। तो जेनेसिस में आकर बेसिकली आपके सपने पूरे होते हैं, आपके सपनों को एक उड़ान मिलती है, और उन सपनों को उड़ान कौन देता है, टीचर्स। तो टीचर हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, फिजिक्स टीचर यही सपनों की आपको उड़ान देते हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं किस तरह से उड़ान दी जाती है, क्योंकि टीचर्स का भी एक स्ट्रगल रहता है बहुत ज़्यादा। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों का तो स्ट्रगल रहता है, आप लोगों पर भी एक प्रेशर रहता है कि उनकी तैयारी करवाना, कि अच्छा रिजल्ट आए उनका। मैडम हर साल ये प्रेशर तो रहता है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हम कहीं पीछे ना छूट जाएं, लेकिन रिजल्ट बच्चा ही लाता है। मतलब हमारा तो सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हम पढ़ाएं बच्चे को अच्छे से। बच्चा अच्छा रिजल्ट तब देता है जब वो पूरे टाइम, जितने भी टाइम उसे मिलता है पढ़ने के लिए, कंसिस्टेंटली जो टीचर कह रहा है उसको प्रॉपरली फॉलो करे और उस चीज़ को प्रॉपरली करे। जैसे कुछ बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रहते पढ़ाई में, तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं मार्क्स कम रह जाते हैं। लेकिन जितने ही बच्चे सेलेक्ट हुए, इन्होंने अपना जो भी हम लोगों ने कहा उस बात को पूरी तरीके से मान करके उसको करते रहे, और इसी वजह से इनका ये रिजल्ट है अच्छा सा। थैंक यू मैम। तो जी हाँ, अगर जो बच्चे हैं टीचर्स की बात मानते हैं, उसके बाद ही इस तरह से ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है और इस तरह से खुशियाँ देखने को मिलती है। तो एक प्राउड पेरेंट एक और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। तो हेलो सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपके बच्चों का किस तरह सा रिजल्ट आया? बच्चे हैं, एक बेटा है वो IIT गुवाहाटी से BTech कर चुका है, लेकिन उसने जो कोचिंग ली थी वो जेनेसिस क्लासेस से ही थी, और आज वो एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। और मेरी अभी सेकंड नंबर पे बेटी है जिसने अभी जेनेसिस से ही नीट क्वालिफाई किया है, और उसको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 654 उसने स्कोर किया है, और वो फ्रेशर में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा किया कि हम उसको, मुझे प्राउड है इस चीज़ का। लेकिन सबसे पहले मैं जेनेसिस क्लासेस का पूरा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना साथ दिया कि कोई स्पोर्ट्स शायद नहीं कर सकता बाहर इतना, जेनेसिस के आगे कुछ भी नहीं है। तो और भी पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप चेहरे पर खुशी देख सकते होगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, आंखें ही बोल पड़ती हैं कि इतने ज़्यादा खुश हैं। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपके बच्चे का किस तरह से रिजल्ट आया और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मैम, मतलब हम बोल नहीं पाएंगे इतने, मतलब हमारे खुशी हो रही है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स दूंगा जितेंद्र सर को, नवनीत सर, DNG सर, क्योंकि बच्चों को मतलब अपना बच्चा समझते हैं, ये नहीं समझते आया बच्चा पढ़ के चला गया, उसको मतलब इमोशनली लेके साथ चलते हैं। बच्चा कहीं मोरल डाउन हो गया, जैसे हमारा बच्चा था बीच में डिप्रेस हो गया, तो सर ने इतना अच्छा मोटिवेट किया कि वो आज बहुत अच्छा स्कोर लेके आया है और बहुत अच्छा उसको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और इसके साथ साथ पूरा स्टाफ जो यहाँ का है, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, और बच्चों का स्पेशली जैसे क्लास से छूट रहा है, कैसे आ रहे हैं, कौन इनके दोस्त हैं, यहाँ तक ध्यान रखा जाता है। तो इतना अच्छा माहौल कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा जितना अच्छा ये जेनेसिस करनाल मिला हमारे को, इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सबका, थैंक यू। तो पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही होते हैं जो इतने ज़्यादा खुश होते हैं स्टूडेंट्स की सक्सेस को देखकर। और जितेंद्र सर बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, सब लोग पेरेंट्स इतना बोल रहे हैं कि मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि स्टडी के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जितेंद्र सर से ही हम बात करते हैं कि किस तरह से मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स को कि आज वो इस जगह पर खड़े हैं। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि सभी पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि स्टडी तो रहती है लेकिन मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरह से आप मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स? मोटिवेशन तो सबको ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे बच्चे मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं। अब इन पेरेंट्स ने इतना अच्छा बोला कि मैं अगले साल के लिए मोटिवेट हो गया। और ये जो शहर है ना, ये कर्ण का शहर है, ये दानवीर का शहर है, कर्ण यहाँ पर आके दान करते थे,
तो जैसे भी सर ने बोला था कि हम बहुत कम फीस में ही पढ़ा देते हैं, फ्री में ही पढ़ा देते हैं, पर हमको दान करने वाले भी बहुत हैं। कितने सारे पेरेंट्स पूरी पूरी फ़ीस देते हैं, बहुत लोग एक्स्ट्रा भी देते हैं। तो ये शहर हम लोगों को भाग गया, और हम कितना भी कर लें शहर के लिए कमी कम है, बहुत कुछ दिया हम। लगभग 100 एम्प्लॉई हैं जेनेसिस में, हम सब एम्प्लॉई हैं, और 100 लोगों को करनाल की वजह से रोज़गार मिल रहा है, और क्या चाहिए। अब हमारी ये है कि 5-6 साल के अंदर लगभग हम लोग 4 से 5 हज़ार लोगों को हमारी वजह से रोज़गार मिले, हम ये भगवान से दुआ करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी हर साल ही होती है कि हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो पाते, क्योंकि जिनको सबको पढ़ाया वो तो सेलेक्ट नहीं हो पाए। कुछ बच्चे बात नहीं मानते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोबाइल जो है ना सबसे ज़्यादा डिटोरिएट कर रहा है, जो भी बच्चा मोबाइल से दूर हो गया वो एवरेज भी है तो क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, अच्छे भी थे, जो मोबाइल की गिरफ्त में आए और अपने आप को ना डिटोरिएट किया। तो बच्चों से भी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया से दूर रहें, पहले अपने सपने पूरे करें, और यूज़ करें तो उसका सही इस्तेमाल हो, लेकिन इस एज में नहीं पता होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारे हर साल कीर्तिमान स्थापित होते जा रहे हैं। आज करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में हमारे पढ़ाए हुए हर सेक्टर में बच्चे हैं। आपने अभी सतीश जी बोल रहे थे, इनके दोनों बच्चे डॉक्टर बने हैं, और ऐसे बहुत सारे प्राउड पेरेंट्स हैं जिनके दो बच्चे हैं, तो दोनों ही कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर जेनेसिस से निकल रहे हैं। और अब तो माहौल बन गया है, अब तो जेनेसिस से भी और बाहर से भी हमारे करनाल में, कुरुक्षेत्र में हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं आपको नीट करना है, आईआईटी जेई, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है जेनेसिस। यहाँ पर आज जिस तरह से पेरेंट्स ने बनाया कि दोनों बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, कोई किस सेक्टर में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिटीज में, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, सक्सेसफुल करियर चला रहे हैं। तो हम आप लोगों से अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने